कि तापमान घटता जा रहा है। 1 डिग्री लगभग था दिल्ली में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 0 तक पहुंचा है। तो सरकार को खुद समझना चाहिए, हालांकि किसान को ना ठंड ना तपती धूप दोनों ही नहीं रोक सकते। अगर किसान ने तय कर लिया तो किसान तो डटा रहेगा, सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज वर्ष का मौका है, आप भी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे हैं, जिस तरह से सरकार लगातार वार्ता की जो डेट है वो तारीख पर तारीख तय करती जा रही है, क्या लगता है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी? देखिए, इसमें तो उम्मीद तो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए और आंदोलनकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच आया हूँ। तो यहाँ खड़े होकर मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, निश्चित मानेगी। धैर्य के साथ और अनुशासन के साथ जिस तरीके से देश भर के किसानों ने, नौजवानों ने इस मुद्दे को आगे रखकर सरकार को जगाने का काम किया है, ये दाद देने की बात है। और इस आंदोलन के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी खड़ी है और जो कोई भी किसानों की वकालत करना चाहते हैं उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि मैदान में आए। बढ़िया जी, बढ़िया। 47 किसानों की शहादत हो चुकी है इस आंदोलन के दौरान और जो अभी जो आंदोलन है वो और भी टफ हो जाएगा, क्योंकि आज पहला कोहरा जो है वो पड़ा और विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, ऐसे में किसान सड़कों पर हैं, क्या लगता है कि और चुनौती और बढ़ जाएगी? देखिए, तापमान घटता जा रहा है, 1 डिग्री लगभग था दिल्ली में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 0 तक पहुँचा है। तो सरकार को खुद समझना चाहिए, हालांकि किसान को ना ठंड ना तपती धूप दोनों ही नहीं रोक सकते। अगर किसान ने तय कर लिया तो किसान तो डटा रहेगा, सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो 47 किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन के दौरान, उनसे जो सरकार है वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं मान रही है, उसको गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए, मानवीय दृष्टिकोण से देखो तो कितनी बड़ी क्षति है, और जो भी लोग यहाँ भी बैठे हैं अपने घर परिवार को काम को छोड़ करके आए, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, व्यक्तिगत तौर से इनका कोई स्वार्थ इसमें नहीं है, लेकिन ये किसान वर्ग के लिए, किसान कौम के लिए, किसान के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने यहाँ बैठे हैं, तो बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी। और सरकार को सोचना चाहिए, अवार्ड घोषित होते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए जो है सरकार अपने प्रचार में खर्च कर देती है, तो कम से कम उन परिवारों के लिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया उनका भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए। जयंत भाई, दो मांगों को लेकर ये लगातार बात चलाई जा रही है कि दो मांगों को लेकर सहमति बनी है किसान और सरकार के बीच में, क्या इसमें सत्यता है वाकई? देखिए, जब तक पूरा मसौदा तय नहीं होता और घोषणा नहीं होती औपचारिक, हम नहीं मान सकते कुछ भी। और जहाँ तक सरकार की मंशा की बात है, खुद ही कानून लाए था ना पराली वाला, हमने तो मांगा नहीं था। क्यों? आखिर अगर इनकी मंशा किसान के लिए अच्छी होती, दिल में इनकी भावना अच्छी होती लोगों के लिए, तो ऐसा कानून कभी लाते ही नहीं। अब पहले ही कानून ला रहे हैं, फिर कह रहे हैं देखो हमने आपकी बात मान ली। अरे, 4 तारीख की जो वार्ता होनी है उसको लेकर क्या है? ये तो 2 कदम पीछे और 1 कदम आगे की बात हो रही है। अब 4 तारीख को वार्ता फिर होगी, 4 के 5 तारीख उठ जाएगा, अगर बात मानी नहीं गई तो यहाँ लोग डटे रहेंगे। जो 7वें दौर की बातचीत हुई थी इसमें सरकार और किसानों के बीच कुछ ठंडा माहौल देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने किसानों के साथ बैठ के खाना भी खाया उस दिन। नहीं, ठीक है, किसान तो वैसे ही नर्म होता है, और आप किसान की बात मान लो, देखो कितने प्यार से आपको गले लगाएगा किसान, वही किसान जो आपको गर्म दिखता है, जो लड़ना भी जानता है, वे किसान प्यार भी बहुत कर सकता है, वो किसान के प्यार को तो समझो, प्यार की भाषा आप समझते नहीं। धन्यवाद। किसान यूनियन जय चौधरी।